नो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा. द क्वेश्चन इज लाइक दैट, वी हैव अ पॉइंट ए पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अपार्ट. हियर इज अ चार्ज -10 माइक्रोकुलम एंड +10 माइक्रोकुलम. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट पी है, उस पी पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर यहाँ से लगाकर यहाँ तक की. तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होती है वहाँ पर अपन +1 कूलम चार्ज पुट करते हैं. यहाँ पर अगर मैं +1 कूलम चार्ज पुट करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा. ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये +1 कूलम को -10 कूलम क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ई पी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड होगी. यहाँ पर +10 कूलम 1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो इट इज ई बी पी. इज इट क्लियर? क्या प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उधर चले गया. अब देखेंगे आप इस पॉइंट का नाम अगर मैं एम दे दूंगा मिड पॉइंट को, तो ट्रायंगल ए पी एम एंड पी एम बी आर कॉन्ग्रुएंट टू इच अदर. तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये साइड और ये साइड भी क्या रहेगी, बराबर. तो अगर मैं देखूंगा तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर. ये 12 है, ये 5 है. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस साइड बिकम्स 13 सेंटीमीटर. ये जो एपी साइड है ये 13 आ जाएगा, पाइथागोरस से आप करके देखना 13 आ जाएगा. तो अगर मैं देखूंगा ये एंगल अगर थीटा है तो इट इज अल्टरनेट इंटीरियर, इट बिकम्स ऑल्सो थीटा. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा आप जानते हैं, थीटा के अलोंग कंपोनेंट आएगा ई पी ए कॉस थीटा, थीटा के अलोंग कॉस कंपोनेंट. और यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा ई पी ए साइन थीटा. इट इज ई पी ए साइन थीटा. वैसे ये अगर थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा. तो इसका थीटा के अलोंग कंपोनेंट क्या आ गया, दैट इज ई बी पी कॉस थीटा. और थीटा के अपोजिट कितना आ गया इधर साइड, इट इज ई बी पी साइन थीटा. इज इट क्लियर? यहाँ लिख देते थोड़ा सा ई बी पी साइन थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला में देखूंगा तो फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/4π ε0 q/r². चूंकि यहाँ पर दोनों चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, चार्जेस क्या है दोनों सेम है, दोनों में चार्ज क्या है 10 और 10, दोनों जगह 10 माइक्रोकूलम है, चार्जेस क्या है सेम है. और ये दोनों डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस भी क्या है तो ये भी सेम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी ए होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बी पी होगी. दोनों में चार्जेस भी सेम है, ये दो देखो ये और दोनों सेम है. सर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सॉरी साइन अलग अलग है, तो साइन से मुझे कोई लेना देना नहीं, उसकी वजह से मैं डायरेक्शन देख चुका हूँ. तो मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूंगा तो चार्जेस सेम है और डिस्टेंसेस भी सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बराबर होगी. तो ये देखो ये दोनों बराबर है, क्योंकि ई बी पी और ई पी ए बराबर है, दोनों में साइन थीटा बराबर है, तो ये दोनों कंपोनेंट कट जाएंगे. तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, हैंस दे कैंसल ईच अदर. एक दूसरे को क्या करेंगे, वो कैंसिल कर देंगे. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. तो जो ई नेट बचेगा वो बचेगा ई पी ए कॉस थीटा प्लस ई बी पी कॉस थीटा. चूंकि हम जानते हैं कि ई पी ए और ई बी पी बराबर है, तो ये दोनों जुड़ के ट्वाइस हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, ई नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई पी ए कॉस थीटा. इज इट क्लियर? क्या नाउ ई नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ई पी ए. व्हाट इज फॉर्मूला, 1/4π ε0. चार्ज कितना है ई पी ए पे, पी पे चार्ज कितना है 10. मैग्नीट्यूड रखेंगे अपन, डायरेक्शन देख चुके हैं क्योंकि अपन माइनस साइन नहीं रखेंगे. अपॉन पी ए, व्हाट इज पी ए, द लेंथ ऑफ पी ए इज 13 सेंटीमीटर. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, 13 सेंटीमीटर है तो उसको -2 करके मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे. ये फॉर्मूला हो गया ई पी ए का, 1/4π ε0 q/r² इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप देखेंगे व्हाट इज बेस, द थीटा ये है, बेस 5 हो गया और हाइपोटेनियस 13 हो गया, तो इट इज 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, इट्स अ डायमेंशन लेस, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ आप 5/13 पुट करेंगे। इज इट क्लियर? क्या इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ई नेट जो आएगा वो आएगा 2 इंटू द वैल्यू ऑफ 1/4 इज 9 × 10^9, ठीक है, इट इज 10^-5 अपॉन 13 × 13, एक 13 और है, एक तो स्क्वायर हो गया 13, एक और है, इंटू 13 इंटू 10^-4 इंटू 5, एक 5 ऊपर है। इज इट क्लियर? क्या तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर सॉल्व कर देते इसको, तो इट इज 18 5 90, तो इट इज 90 × 10^4 अपॉन 13 × 13 × 13, ये 10^4 ऊपर चले जाएगा एक और, तो इट इज 10^4 एंड 13 7 91, तो इट इज 7 जा, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इट इज इसको कर देंगे अपन क्या 70 × 10^7 अपॉन 13 × 13, इसको फिर आगे आप सॉल्व करना, इसको यू विल गेट द नेट आंसर, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे 13 5 65 कर देंगे तो 5.5, तो इट इज़ 5.4 अप्रॉक्सीमेटली, फिर 5.4 को 13 से काटेंगे 54, तो इट इज़ समथिंग 0.18। अब इसको सॉल्व करना आगे, इट इज़ मैं लिख देता हूँ इसको 70 × 10^7 13 × 13, ठीक है, सॉल्व इट आउट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नोट इट डाउन। ना अपन क्वेश्चन देखते हैं एक और, दो पॉइंट चार्जेस दिए हुए अपने पास जिनके बीच में डिस्टेंस जो है 2 मीटर है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देखते हैं क्या है। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट, यहाँ पे जो चार्ज है वो 10^5 × 10^-19 कूलाम है, और यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज जो है वो है 20 × 10^-19 कूलाम है। इनके बीच में कहीं पर इस लाइन पर, कौन सी लाइन, ये पूरी लाइन, इस लाइन पर कहीं पे भी मुझे देखना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होती है वहाँ पे अपन क्या रखते हैं, +1 कूलाम। तो अगर मैं यहाँ पे +1 कूलाम चार्ज रखूँगा तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल, वो चार्ज भी क्या करेगा, वो चार्ज भी रिपेल करेगा, ये चार्ज भी क्या करेगा, रिपेल, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 0 नहीं हो सकती क्योंकि दोनों ऐड होगी तो 0 नहीं हो सकती, तो यहाँ पर नहीं हो सकता। जब भी दोनों पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे या दोनों नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, दोनों अगर सिमिलर चार्जेस रहेंगे तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स 0 आएगा, वो कब आएगा, जब अपन ए और बी के बीच में देखेंगे। तो ए और बी के बीच में रखता हूँ मैं कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर भी रखूँ, तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ +1 कूलाम, मैं यहाँ पे रखता हूँ +1 कूलाम, ये पॉइंट P है, यहाँ पे मैंने रखा +1 कूलाम, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इट कम्स आउट टू बी EBP, और ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इट कम्स आउट टू बी EAP। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, P पॉइंट पे 0, तो फॉर E net at P to be 0, EBP और EAP क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो what is EBP? 1/4 ε₀ Q, the charge on B, the charge on B is 20 × 10^-19 upon, अब इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से X, ये पूरा कितना है 2 मीटर, तो इट कम्स आउट टू बी 2 − x मीटर, तो बी पी निकाल रहा हूँ, तो मेरे को बी पी डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना x, तो इट इज़ x² = 1/4 ε₀ 5 × 10^-19 द चार्ज ऑन ए अपॉन ए पी, ए पी इज 2 − x² होल स्क्वायर, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 5 से ये कट गया 4 टाइम, तो इट इज़ 4/x² = 1/2 − x² होल स्क्वायर ऑन
स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो इट इज 2 अपॉन एक्स और इट इज 1 अपॉन 2 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 4 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स. तो इट इज 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 3x, तो x कम आउट टू बी 4 बाय 3, तो x इज इक्वल टू 1.33 मीटर. द x इज 1.33 मीटर. तो यही पूछा था आपसे कि कहाँ पे रखें अपन, तो इसको आंसर लिखेंगे अपन. आंसर इज 1.33 मीटर फ्रॉम 20 × 10⁻¹⁹ कुलाम टुवर्ड्स 500 × 10⁻¹⁹ कुलाम. मतलब कि 1.33 मीटर किधर जाना है, बी से ए की तरफ. ना अपन क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर फिगर गिवन अलोंग साइड ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स 1, 2 and 3. इट इज 1, इट इज 2 एंड इट इज 3. इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड द साइंस ऑफ थ्री चार्जेस. इस चार्ज का, इस चार्ज का, इस चार्ज का साइन फाइंड करना है. एंड विच पार्टिकल हैज हाइस्ट चार्ज टू मास रेशियो. अपने को चार्ज बाय मास का रेशियो बताना है किसका ज़्यादा है, 1 का, 2 का या 3 का. क्यू बाई एम किसका ज़्यादा है, चार्ज बाय मास रेशियो ज़्यादा किसका है, देखते हैं. ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक दी हुई है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है ये प्लेट पे, और ये प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है. और यहाँ से मैंने तीन चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाया, तो ये वाला चार्ज इधर गया, ये वाला चार्ज इधर गया और ये वाला चार्ज इधर गया. हॉरिजॉन्टल ट्रैक है ये. तो आप ज़रा यहाँ देखेंगे, ट्रैक बोले तो हॉरिजॉन्टल होता है बेटा, ठीक है. तो ये पॉजिटिव की तरफ जो जाने वाला होगा वो क्या होगा, नेगेटिव की तरफ. पॉजिटिव की तरफ जो जाएगा वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि उसको क्या किया होगा, ट्रैक किया होगा. तो यहाँ समझ में आता है कि ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज. ये भी क्या होगा, नेगेटिवली. जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है मतलब नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज. मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं. पॉजिटिव की तरफ जा रहे मतलब पॉजिटिव इनको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज. तो ये दोनों क्या होगा, नेगेटिव. और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा है. तो साइन तो मालूम पड़ गए अपने को. तो अब यहाँ पे अपन एक चीज़ और देखेंगे, चार्ज टू मास रेशियो निकालना है मेरे को. इन तीनों को यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया था, तो तीनों की स्पीड क्या थी, सेम थी. तो अगर अब मैं देखूँगा तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, ए सी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मैंने ये लगा दी, इसको फिर से लिखता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, ए सी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मैं इसको लगाता हूँ, मैंने बोला, मैंने इस एक्सिस को मैंने बोला एक्स और इस एक्सिस को मैंने बोला वाई. ये एक्सिस मेरी कौन सी है, एक्स, और ये वाली एक्सिस मेरी कौन सी है, वाई. तो देखेंगे मैंने एक्स के लिए लगा दिया ये, तो इट इज़ एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. ये डायरेक्शन को मैंने एक्स बोला है, ये डायरेक्शन को मैंने वाई बोला है. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई. कहाँ होगी हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव. हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इज इट क्लियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है. तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे वो वाई डायरेक्शन में लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह वाई डायरेक्शन में. एक्स डायरेक्शन में कोई भी फील्ड नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. इज इट क्लियर क्या. तो फोर्स का लग रहा वाई डायरेक्शन के अंदर इज इक्वल टू मास. एक्सेलरेशन भी किधर होगा, जिधर फोर्स लग रहा उधर ही. और फोर्स कितना है वाई डायरेक्शन के अंदर, फोर्स इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. जो भी एक्सेलरेशन है कहां पर है आपके, एक्सेलरेशन कितना आ गया, क्यू ई बाई एम. कहां पर होगा, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है वर्टिकल डायरेक्शन में. तो वाई डायरेक्शन के अंदर होगा आपका एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. तीनों के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या, देखो हाँ, यहां से यहां तक चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तीनों के लिए ट्रैक सेम है. तो तीनों के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है. तो
तो मैंने बोल दिया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को, मैंने बोल दिया कितना x, कितना बोल दिया x, तो इट इज x इज इक्वल टू, तीनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड भी मैंने क्या मान ली सेम, तीनों की स्पीड भी क्या थी यहाँ सेम, तो इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल में x, x क्या है x मतलब हॉरिजॉन्टल, तो मैंने बोल दिया u into t, तो what is t, t is equals to x by u. अब मैंने इक्वेशन मोशन लगा दी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, समझने की कोशिश करना. अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो देखो यहां पर इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये रहा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यहां से ये रहा, यहां से ऐसा गया ये, तो ये रहा इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y1, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है y2, और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, वर्टिकली कितना ट्रेवल किया ये, यहाँ से ये प्लेट के यहाँ तक गए, मतलब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसका, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है इतना, और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है इतना, तो वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट तीनों के इक्वल नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तीनों के इक्वल थे लेकिन वाई डायरेक्शन वाले डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है. तो मैंने यहाँ पे बोल दिया इन जनरल वाई इज इक्वल टू, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई स्पीड है क्या, मैंने इनिशियली कहा प्रोजेक्ट किए तीनों को, तीनों को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पीड है u, लेकिन वर्टिकल स्पीड है नहीं, इनिशियल में मैंने वर्टिकली फेंका ही नहीं था, इनिशियली मैंने तीनों को कहा प्रोजेक्ट किया था हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल स्पीड दिख रही क्या, नहीं, मैंने तीनों को हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, वर्टिकली यहाँ पर कोई प्रोजेक्शन इनिशियल में नहीं था, तो ये क्या हो गया जीरो, तो कितना हो गया हाफ ए वाई, द वैल्यू ऑफ ए वाई, ए वाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वर्टिकल में डिस्प्ले वर्टिकल में एक्सेलरेशन है, दैट इज वर्टिकल में फोर्स, दैट इज फोर्स इक्वल टू क्यू ई, तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन आ गया क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी, दैट इज एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, तो व्हाट इज वाई, वाई इज इक्वल टू क्यू बाई एम ई एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर. अगर मैं देखूं तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सेम, सबकी इनिशियल स्पीड क्या है सेम, सबके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है सेम, तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सबके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम है, सबके लिए इनिशियल स्पीड सेम है, तो यहां पे समझ में आ गया कि y इज प्रोपोर्शनल टू q बाई m, y इज प्रोपोर्शनल टू q बाई m, तो आपको ये समझ में आ गया कि y3 बड़ा है, फिर y2 है और y1 है. देखो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y3 है, फिर y2 है और फिर क्या है y1 है, यानी कि अपन समझ गए कि y3 इज ग्रेटर देन y2 इज ग्रेटर देन y1, यानी कि चार्ज बाय मास रेशियो फॉर थर्ड इज ग्रेटर देन चार्ज बाय मास रेशियो फॉर सेकेंड इज ग्रेटर देन चार्ज बाय मास रेशियो फॉर फर्स्ट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो. तो किसका हाइस्ट है, थर्ड वाले का चार्ज बाय मास रेशियो हाइस्ट है, नोट इट डाउन. अपन क्वेश्चन देखते हैं एक और, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 3200 न्यूटन पर कूलम, एंटर्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड विद अ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज डेविएशन इन इट्स पाथ, पाथ में कितना डेविएशन होगा अपन देखते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूँ किधर है, मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, देखो दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री, ये किधर नीचे है और ये किधर इधर है, ये ऐसा है एक्चुअली बोर्ड पे मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज उसके परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, देखो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज उससे एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली, किस स्पीड से एंटर कर रहा है, एंटरिंग विद अ स्पीड ऑफ 4×10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3200 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों में एंगल 90 डिग्री है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स परपेंडिकुलरली इन द फील्ड. अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, इसका चार्ज कितना होगा, -1.6×10⁻¹⁹ कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये डेविट होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती चार्ज पार्टिकल चलते रहता इस प्रकार से,
ये चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से चलते रहता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। बेटा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड के अलोंग मूव करता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड के अपोजिट मूव करता है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये फील्ड के अलोंग इधर डेविएट हो जाता, लेकिन अब ये नेगेटिव है तो ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट होगा। समझ में आ रहा है क्या? सर ऐसे क्यों डेविएट हो रहा है? अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसे फेंकूंगा, चूंकि ग्रेविटी नीचे है तो ये ऐसे मूव करेगा, पैराबोलिक मोशन करेगा, क्योंकि इसको ग्रेविटी का खींच रही, नीचे खींच रही। मैंने फेंका हॉरिजॉन्टल में था, लेकिन ये जाता कैसे? ऐसे जाता है। अगर यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी फ्री स्पेस होता, तो मैं इसको जैसा फेंकता ये वैसे ही मूव करता, स्ट्रेट लाइन मोशन करता, अनडेविएटेड, डेविएट नहीं होता। चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे है तो ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती इसको, तो ये नीचे चले जाता है। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती, ग्रेविटेशनल फील्ड अभी हटा दो यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होती और ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती? इसको नीचे अट्रैक्ट करती। चूंकि अब ये नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो ये इसको अपोजिट में डेविएट कराएगी, क्योंकि नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जो मूव करता है, टूवर्ड्स जो मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अपोजिट मूव करता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है तो ये देखिए साइड डेविएट हो गया। यहाँ पर कहीं भी ग्रेविटेशनल फील्ड कंसिडर नहीं करनी, कहीं बोला नहीं मुझे कुछ भी, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करूंगा। इज इट क्लियर? क्या हॉरिजॉन्टल सिस्टम मान लिया मैंने, वर्टिकल कैलकुलेशन करते हैं तब क्या आती है? ग्रेविटेशनल फील्ड आती है। मैंने हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फील्ड के अलॉन्ग जाता इधर, चूंकि ये नेगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट जाएगा इधर, तो मुझे अगर फील्ड नहीं होती तो जाता सीधे, तो ये डेविएशन निकालना है मेरे को, मुझे ये डेविएशन निकालना है, डेविएशन इन इट्स पाथ। इज इट क्लियर? क्या तो ये डेविएशन निकालना है। मैंने माना इसने फील्ड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो क्या है? एक्स है, और जो वर्टिकल डेविएट हुआ वो कितना है? मैंने मान लिया वाई। फिर से मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये डायरेक्शन को मैंने एक्स नाम दे दिया, ये डायरेक्शन को मैंने वाई नाम दे दिया। चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मैंने जैसे कि इसको फेंकूंगा मैं यहाँ से, तो मैंने इधर फेंका है सिर्फ, मैंने इधर एक्सेलरेट नहीं किया हॉरिजॉन्टल में, मैंने इसको जस्ट प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। चूंकि वर्टिकल में यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वर्टिकल में यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटेशनल जी। वैसे ही यहाँ पर वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्टिकल बोले तो वाई डायरेक्शन, यार वाई डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फील्ड नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एस एक्स को मैंने कितना मान लिया? एक्स। मैंने स्पीड बोल दी कितनी, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? 4×10⁷। ठीक है, और ये एक्स कितना दे रखा है अपने को? एक्स दे रखा है 0.1 मीटर, बोल के दिया है। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, 0.1 मीटर चला तो 0.1 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 0.1 मीटर इंटू टी, तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो टाइम आ जाएगा 0.1/4×10⁷। तो टी इज इक्वल टू, ये 0.1 का जीरो नीचे आ जाएगा तो इट इज 10⁸, ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10⁻⁸, और 1/4 कितना होता है? 0.25×10⁸। तो टाइम इज इक्वल टू 25×10⁻¹। इज इट क्लियर? क्या ये टाइम आ गया? अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कैलकुलेशन करता हूँ, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पर इनिशियल जो मैंने प्रोजेक्ट किया था वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं किया था, सिर्फ क्या किया था? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं रहेगी। एस वाई को मैंने बोल दिया वाई, यही तो मुझे निकालना है, दैट इज डेविएशन इन इस पाथ। अगर फील्ड नहीं होती तो ये डेविएशन वाला पाथ फॉलो करता, चूंकि यहाँ पर फील्ड है तो ये इधर डेविएट हो गया, तो कितना डेविएशन आया? मुझे वाई निकालना है, इज इक्वल्स टू हाफ ए वाई। अब यहाँ पे ए वाई कैसे निकालेंगे, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ए वाई कैसे निकलेगा? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, चूंकि फोर्स वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा? वाई डायरेक्शन में। फोर्स वाई डायरेक्शन कितना है? फोर्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई डायरेक्शन के अंदर। इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एस ए वाई कितना हो जाएगा? क्यू ई बाई एम। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने
क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू हाफ. वॉट इज क्यू? इट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिर्फ यहाँ पे साइन पुट करना है मुझे. इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 3200 अपॉन, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, क्या होगा, वाई इज इक्वल्स टू वन बाई टू इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10^-19 3200 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10^-31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाइम. टाइम इज 25 इंटू 10^-8 का होल स्क्वायर. तो वाई इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1600, ठीक है, 10^-19 9.1 इंटू 10^-31 इंटू 625 इंटू 10^-16. बेटा आपको सॉल्व करना है इसको. सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.76 इंटू 10^-3 मीटर. इसको अपन लिख देंगे mm. नोट इट डाउन. नाउ अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स ऑन विच isolated free positive charge tends to move. ये ऐसे imaginary straight lines और curves होते हैं जिसके ऊपर positive charge move करता है. इज इट क्लियर? क्या अगर उसको अपन फ्री सेट कर देंगे चार्ज को, तो ऑटोमेटिकली वो उस लाइन के ऊपर मूव करेगा, उस कर्व के ऊपर मूव करेगा. ऐसे स्मूथ कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस कहलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इज इट क्लियर? क्या नाउ एक चीज और देखेंगे. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग normally through unit cross-sectional area is proportional to the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगी एक एरिया को, यूनिट एरिया को नॉर्मली, मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मान लो, तो इसके परपेंडिकुलर मैंने एक यूनिट एरिया ले लिया, यूनिट एरिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. जितनी कम पास होगी उतनी कम इंटेंसिटी होगी. एरिया मस्ट बी नॉर्मल. एरिया फील्ड लाइंस के क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए. जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास होगी यूनिट एरिया से नॉर्मली, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. इज इट क्लियर? क्या
द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स यूनिट एरिया से नॉर्मली पास करेगी उतनी स्ट्रॉन्ग, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. इज इट क्लियर क्या? इसको पहले लिख लो आप. सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक और चीज़ क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है? इट इज़ अ इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स, इट मे बी स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, ऑन विच आइसोलेटेड फ्री पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव. इतना लिखो, फिर अपन इसको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ठीक है, इतना लिखो. अब देखेंगे अपन यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. इसको लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. मैं समझाऊंगा लाइन्स ऑफ फोर्स क्यों बोलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन्स ऑफ फोर्स. समझेंगे अभी क्यों बोलते हैं. सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी समझते हैं अपन. अगर मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है. क्या बोला मैंने? मैग्नीट्यूड सेम है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगी पॉजिटिव से, टर्मिनेट होगी कहाँ पर? नेगेटिव पे. एमिनेट होगी पॉजिटिव से, टर्मिनेट होगी नेगेटिव पे. फिर ऐसे जाएगी. ये कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाती, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है. ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है. और अगर इधर कोई नेगेटिव पड़ा होगा तो यहाँ से निकल के उधर चल जाएगी. यहाँ पर कोई पॉजिटिव पड़ा होगा तो वहाँ से ये इधर ले लेगा. इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे मान लो किसी भी पॉइंट पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये टेंजेंट डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. ये डायरेक्शन किसकी बताएगा? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. ये जैसे यहाँ टेंजेंट डालेंगे तो ये इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता देगा. ये मान लो ए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए की बता दी. ये बी पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी की बता दी. और अगर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा मैं यहाँ पर तो फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा. तो एक प्रकार से ये क्या हो गया? फोर्स भी इधर ही लगेगा. जिधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स भी कहाँ लगेगा? उधर ही लगेगा. क्योंकि इसके ऊपर क्या मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज मूव करता है. इसलिए इसको अपन लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इस पर क्या मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी उसी डायरेक्शन में भी क्या लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा. मैंने यही बताया था, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव में उसके अपोजिट रहेगा. तो इस पर क्या मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज मूव करता है. तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा. यहाँ पर मुझे फोर्स निकालना, तो फोर्स किधर रहेगा? टेंजेंट बता दो तो ये फोर्स भी इधर लगेगा. तो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन्स ऑफ फोर्स. इज इट क्लियर क्या? तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और फील्ड लाइन्स ऑलवेज कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एंटर द नेगेटिव चार्ज. हमेशा ये पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव पर जाएंगे. तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है आपको. दूसरी प्रॉपर्टी में डेफिनेशन के अंदर समझा चुका हूँ आपको कि सर ये फील्ड लाइन के परपेंडिकुलरली अगर मैं यहाँ पे यूनिट एरिया ले लूँगा तो इस यूनिट एरिया से अगर जितनी फील्ड लाइन्स पास होगी, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स पास होगी उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी. मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यूनिट एरिया से एरिया कैसा है? नॉर्मल, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. और उसी एरिया, उसी यूनिट एरिया से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है. यहाँ पर एक दो तीन चार पांच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है यूनिट एरिया से. उसी सेम यूनिट एरिया से नॉर्मली दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी क्या हो गई? कम. यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो गई? ज़्यादा. यही बोला था कि मोर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉर्मली द इंटेंसिटी विल बी मोर. प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के. ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी तो ज़्यादा इंटेंसिटी. यानी कि मैं एक और चीज़ बोल दूँ, क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फार्दर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लेसर विल बी द इंटेंसिटी. इज इट क्लियर क्या? तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और नेवर क्रॉस ईच अदर, अदरवाइज द फील्ड वुड बी पॉइंटिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट. देखो मैंने बताया था ये ए पॉइंट पे टेंजेंट डाला मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई, इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई. अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डालूंगा इस कर्व पे तो ये हो गई, इस कर्व पे टेंजेंट डालूंगा इधर तो क्या हो गई? ये हो गई. एक पॉइंट के दो टेंजेंट्स मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आ गई. दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मैंने क्या बताया था? टेंजेंट ड्रॉन. देखो ये प्रॉपर्टी देखो एट वाली, क्या बोला एट प्रॉपर्टी ने? टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट. जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट डालोगे, एट प्रॉपर्टी भी क्लियर हो रही है आपकी,
एक प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे उस पॉइंट पे डायरेक्शन बताएगा लेटरल इंटेंसिटी की, और अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो ये कॉमन पॉइंट पे दो टेंजेंट्स आ गई, मतलब कॉमन पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो दो कर्व्स हो जाएंगे, एक पॉइंट पे दो कर्व्स की दो टेंजेंट हो जाएगी, तो एक पॉइंट की दो इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, सेकेंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया और आपका एट्थ भी हो गया। फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, मैंने क्या बोला था, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, नेगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं आ सकते। क्लोज लूप का मतलब होता है जैसे गया वैसे ही वापस आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यहाँ से जाएगा, इस पर वापस आएगा नहीं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव से निकल के इधर नहीं आ सकता, हमेशा ये पॉजिटिव से ही निकलेगा और नेगेटिव में जाएगा, ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा, मतलब पॉजिटिव से जाके नेगेटिव से फिर वापस नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव से ही जाएगा, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपन, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज रेटेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज वाला हमेशा हायर होता है और ये हमेशा लोअर होता है, तो फील्ड लाइंस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, हायर से लोअर, हायर से लोअर। ये पोटेंशियल क्या चीज़ है सर, अपन धीरे धीरे बाद में पढ़ते रहेंगे इसके बारे में, पर अभी ध्यान रखो, पॉजिटिव चार्ज वाला हायर पोटेंशियल पर रहता है, नेगेटिव चार्ज वाला लोअर पोटेंशियल पर रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इज इट क्लियर क्या? ये अपन बाद में और देखेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी अपन बाद में और देख लेंगे, इज इट क्लियर क्या, हायर पोटेंशियल क्या है वो भी देख लेंगे। फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप याद रखो इस प्रॉपर्टी को, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कभी भी रिसाइड नहीं करेगी, उसके अंदर नहीं जाएगी, इज इट क्लियर क्या? आप इस सब डायग्राम को बना लेना, ये सब डायग्राम्स को बना लेना आप, मैं इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ सो देट कि अपन कुछ और समझ पाएंगे अच्छे से। अभी देखा अपन ने, मान लो ये प्लस टू क्यू चार्ज है और ये क्या है माइनस क्यू चार्ज है, तो उसके पहले क्या था, ये प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू था, तो यहाँ से जितनी फील्ड लाइंस निकल रही थी उतनी यहाँ इसके अंदर टर्मिनेट हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डबल है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो डबल निकलेगी, लेकिन इसके अंदर जाएगी कितनी, सिंगल निकलेगी, डबल लेकिन इसके अंदर टर्मिनेट होगी कितनी, सिंगल निकलेगी कितनी, डबल लेकिन टर्मिनेट कितनी होगी, सिंगल निकलेगी कितनी, डबल लेकिन ये कितनी लेगा, सिर्फ सिंगल, इज इट क्लियर क्या? क्यों ऐसा बोला है, इफ एन वन इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ अ चार्ज क्यू वन, इससे अगर एन वन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही है तो एन टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द क्यू टू, क्यू टू के अंदर एंटरिंग कितनी करेगी, एन टू करेगी, तो क्यू वन बाई क्यू टू का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो कितना होगा, मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे, मोड लगा रहा मतलब सिर्फ पॉजिटिव, तो कितना हो गया, टू क्यू अपॉन कितना है, क्यू इज इक्वल टू एन वन अपॉन कितना हो गया, एन टू, कितना हो गया, कट गया, वॉट एन टू बिकम्स, एन वन बाई टू, जो एन टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के अंदर जाएगी वो एन वन के आधी, मतलब यहां से दो निकलेगी तो इसके अंदर जाएगी सिर्फ एक। ये समझ में आया है क्या कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्यू वन से जितनी निकलेगी और क्यू टू में जितनी जाएगी वो क्यू वन बाई क्यू टू एन वन बाई एन टू के बराबर रहेगा, यानी कि ये टू क्यू है वो क्यू है, तो यहां से दो फील्ड लाइंस निकलेगी और उसके उस टाइम पर उसमें जाएगी कितनी, सिर्फ एक। टू फील्ड लाइंस आर एमिनेटिंग फ्रॉम क्यू टू बट ओनली वन और सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल टर्मिनेट एट और एंटर इन टू द क्यू वन, सॉरी क्यू या फिर क्यू टू बोलेंगे इसको, इज इट क्लियर क्या? तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, टू क्यू से अगर दो फील्ड लाइन्स निकल रही है तो उस टाइम पर इसके अंदर जो एंटर करेगी वो सिंगल फील्ड लाइन करेगी, एक एंटर करेगी, इज इट क्लियर क्या? तो ये आप नोट डाउन कर लो, ये डायग्राम भी आप बना लेना, दो फील्ड लाइन्स निकल रही है लेकिन जा कितनी रही है, एक, इज इट क्लियर क्या? ये इस प्रकार से n1 वन बाई टू इज इक्वल टू एन टू, एन वन मतलब यहाँ पे कितना, टू, तो उसके आधी यहाँ पे जाएगी मतलब वन, इज इट क्लियर क्या? कंडक्टर के अंदर फील्ड रिसाइड नहीं करती है, अंदर नहीं जाती है, तो ये भी प्रॉपर्टी क्लियर है, ये भी प्रॉपर्टी क्लियर है। और एट प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ आपको, टेंजेंट डालेंगे यहाँ पर, टेंजेंट बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे, इज इट क्लियर क्या? ये सारी प्रॉपर्टी देख लो, और प्रॉपर्टी अपन इस पे लिखेंगे, इसको लिख लो पहले, नाउ अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, आठ तक अपन पढ़ चुके थे, इट इज नाइन्थ टेंथ एंड इलेवेंथ, तो देखते हैं अपन फिर से, दो चार्जेस अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है
तो जितने फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगी उतनी ही वहाँ पे एंटर करेगी। अपन ने अभी देखा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। इज इट क्लियर? फिर यहां पे देखा है कि फील्ड लाइंस एग्जिबिट लॉन्गिट्यूडनली लेंथवाइज कॉन्ट्रेक्शन दस इंडिकेटिंग दैट अनलाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी है ना, देखो क्या होता है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा। और यहां पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो लेंथ वाइज क्या होगा? यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर भी क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो यहां पर क्या होगा? रिपल्शन। और यहां पर क्या होगा? इसका इसका रिपल्शन और इसका क्या होगा? अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। तो लेंथ वाइज इनके अंदर सेपरेशन क्या होता है? कम होता है। लेंथ वाइज ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। और साइड वाइज ये क्या होती है? दूर दूर होती है, सेपरेटेड होती है। इज इट क्लियर क्या बोला गया है? लेंथ वाइज कॉन्ट्रेक्शन, लेंथ वाइज कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, लेकिन साइड वाइज क्या हो रहा है? एक्सपांशन। यहां पर एक्सपांशन क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर भी ये चार्ज है और यहां पर भी ये चार्ज है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, यहां भी रिपल्शन है, लेकिन उससे ज्यादा इसका रिपल्शन डोमिनेंट है। यहां पर भी क्यू और क्यू में रिपल्शन है, लेकिन यहां पर इन दोनों के रिपल्शन से इसका अट्रैक्शन डोमिनेंट है। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज उसको यहां से फेंकेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको यहां से खींचेगा। यहां का खींचना और यहां का फेंकना डोमिनेंट करेगा इन दोनों के रिपल्शन को। ये उतना रिपेल करेंगे उतनी देर में ये इसको इधर फेंक देगा, ये दोनों रिपेल करेंगे उतनी देर में इधर खींच लेगा। यहां पर टाइम मिल जाएगा दोनों को, क्योंकि यहां पे इसका फेंकना और यहां पे इसका खींचना कमजोर है। यहां पर इनका सेपरेशन क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे इनका रिपल्शन डोमिनेट करेगा इसके रिपल्शन और इसके अट्रैक्शन से। यहीं पे समझ में आ रहा है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर एर अनलाइक चार्जेस, सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो लेंथ वाइज यहां पर कॉन्ट्रेक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, यहां पर रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है। ये रिपल्शन और ये रिपल्शन, तो यहां पर रिपल्शन ये वाला डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहां पर साइड वाइज सेपरेशन होने का समय मिलेगा, यहां पर समय नहीं मिलेगा, उतनी देर में खींच लेगा, उतनी देर में ये फेंक देगा इधर। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। लेटरल सेपरेशन एक्सपांशन क्यों होता है और यहां पर लेंथ वाइज कॉन्ट्रेक्शन क्यों होता है? कॉन्ट्रेक्शन इस वजह से होता है क्योंकि ये इसको इधर फेंकता है, ये इधर खींचता है, तो ये सेपरेशन होने का समय नहीं मिलता है। तो यहां पर ये कॉन्ट्रेक्टेड रहते हैं, यहां पर कॉन्ट्रेक्टेड रहते हैं लेंथ वाइज, और लेटरली ये एक्सपांडेड रहते हैं। इज इट क्लियर क्या? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फील्ड लाइंस ऑलवेज एंटर और लीव अ सरफेस नॉर्मली। मैंने क्या बोला था कि कंडक्टर के अंदर कोई भी कंडक्टर है, मान लो कोई भी कंडक्टर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रहेगी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसी निकल रही है, एसी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या होगा? कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं रहेगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं रहती है। तो मैं कंडक्टर के अंदर किसे शो करूंगा? डेड डैश करके शो है तो नहीं इसके अंदर। तो ये जो एसी नहीं रोके, ये एसी होगी, ये एसी हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी किसी होगी, ये एसी होगी। सर ये क्या बना रहे हैं? बताता हूँ बेटा, सब समझ में आएगा। ये एसी नहीं होके ये एसी होगी, ये एसी नहीं होके ये एसी होगी। सर एसी क्या? इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? इस स्क्वायर का नॉर्मल। इसको एक्सटेंड करूँगा तो क्या मिलेगा? नॉर्मल। यानी कि फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से निकलती है तो नॉर्मली निकलती है, किसी भी सरफेस में एंटर करती है तो नॉर्मली एंटर करती है, भले इसके अंदर नहीं है, पर इसके अंदर मैंने डेड लाइन से क्या करा? शो किया है कि यहाँ से इधर निकल जाएगी और फिर यहाँ से एसी निकलेगी, इसके अंदर नहीं रहेगी। तो डेड लाइन करके शो किया मैंने कि ये क्या है? नॉर्मल। ये नॉर्मली एंटर कर रही है, नॉर्मली बाहर निकल रही है, नॉर्मली एंटर कर रही है, नॉर्मली बाहर निकल रही है, नॉर्मली एंटर कर रही है, नॉर्मली बाहर निकल रही है, कंडक्टर के अंदर जीरो होगी। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी सरफेस से फील्ड लाइंस अगर एंटर करती है तो नॉर्मली राइट एंगल पे, या फिर नॉर्मल बोले तो राइट एंगल पे एंटर करती है और राइट एंगल पे बाहर निकलती है सरफेस के। इज इट क्लियर क्या? एक चीज़ और मेरे को बताना है यहाँ पर। मैंने बोला था कि ये फील्ड लाइंस निकल रही है, ये पैरेलल फील्ड लाइंस है। तो अगर यूनिट एरिया में यहाँ पे लूंगा तो यूनिट एरिया से यहाँ से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है? 1, 2, 3, 4, 5। हमेशा यूनिट एरिया से कितनी निकलेगी नॉर्मली? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि अगर पैरेलल फील्ड लाइंस होती है, अगर फील्ड लाइंस क्या है? पैरेलल,
तो इसको कहते हैं अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यूनिफॉर्म क्यों बोलेंगे, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, यूनिट एरिया से नॉर्मली हमेशा जितनी फील्ड लाइन्स यहाँ पे निकल रही थी उतनी हमेशा हर जगह से निकल रही है। अगर फील्ड लाइन्स ऐसी होती है तो यूनिट एरिया से अभी कितनी निकल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, अभी यूनिट एरिया से कितनी निकल रही है, सिर्फ दो निकल रही है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, तो इसको बोलेंगे अपन नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम फील्ड लाइन्स निकल रही है, तो यहाँ पर क्या है, फील्ड स्ट्रॉन्गर है और यहाँ पर फील्ड क्या कंपेरेटिवली वीक है यहाँ पर। इज इट क्लियर, क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सब जगह एक जैसी है, कहाँ पर, यहाँ पर सब जगह एक जैसी, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स यहाँ पे ज़्यादा निकल रही है नॉर्मली, यहाँ पे कम निकल रही है, यानी कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नोट इट डाउन। नाउ अपन यहाँ पे एक डेरिवेशन देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना, इसको अपन देखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड at the axis of a uniform charged circular ring, एक circular ring है अपने पास, उसकी axis पे किस प्रकार की ring है, मैं ring बता देता हूँ आपको, ये ring है अपने पास, इस ring की इसको बोलते हैं अपन axis, ये क्या है axis, a line passing through its center, अ लाइन पासिंग थ्रू इट सेंटर, इट्स कॉल्ड इस एक्सिस, इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट पी है, इस एक्सिस के ये एक्सिस, ये इस प्रकार से मैं डायग्राम बनाऊंगा बोर्ड पे, ये एक चार्ज रिंग, इसकी एक्सिस दिख रही है एक्सिस आपको, इस एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ये पूरी रिंग चार्ज्ड है, इस रिंग की एक्सिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर कहीं पर किसी भी पॉइंट पे निकालना है, इसका डायग्राम मैं बोर्ड पे इस प्रकार से बना रहा हूँ, ये डायग्राम बोर्ड पे बनेगा देखना, ये रिंग को मैं बोर्ड पे इस प्रकार से बनाता हूँ, इट इज़ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ये उसकी एक्सिस पे पॉइंट है मान लो पी, इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट और यहाँ पर डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब क्या, ये कहलाता डायमीटर, तो मैंने एक चार्ज एलिमेंट यहाँ पर मान लिया और एक चार्ज एलिमेंट मैंने यहाँ पर मान लिया, एक चार्ज एलिमेंट लिया, एक चार्ज एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट, दो चार्ज एलिमेंट मान लिए, यहाँ पर मैंने माना कि द रेडियस ऑफ द रिंग इज ए एंड द डिस्टेंस ओ पी इज एक्स, मुझे ओ से लगाकर एक डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, इस पूरी रिंग के अंदर चार्ज क्या है क्यू और इतने से के अंदर चार्ज क्या है डी क्यू, इतने से के अंदर चार्ज क्या है डी क्यू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बेटा जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था अपने को वहाँ पे अपन क्या पुट करते थे, प्लस वन कूलम, तो ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस बना दिया मैंने, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, एक डी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गई डी ई, और ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये भी क्या हो जाएगी डी, सर दोनों डी डी रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे, सेम रहेंगे, क्यों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है बराबर, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट, देखो क्या हो रहा है, मुझे यहाँ निकालना है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये क्या ए है, ये भी ए है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, मैंने यहाँ पे डी क्यू एलिमेंट माना, यहाँ पे डी क्यू एलिमेंट माना और यहाँ पे प्लस वन कूलम माना, यहाँ से ये इसको रिपेल करेगा, इधर ये इसको रिपेल करेगा, दोनों की फील्ड सेम रहेगी, क्योंकि चार्जेस भी क्या है डी क्यू सेम है, और ये डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये ट्राइंगल अपर वाला और ये ट्राइंगल लोअर वाला एक दूसरे के कॉन्गोरेंट है, इज इट क्लियर, क्या ये डिस्टेंस सेम रहेगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगी, इज इट क्लियर, क्या ना डी ई, मैंने ये एंगल मान लिया थीटा और ये एंगल भी मैंने क्या मान लिया थीटा, दोनों ट्राइंगल कॉन्गोरेंट है, तो बेटा ये समझ में आया होगा आपको, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका इधर आएगा डी ई कॉस थीटा और इधर आएगा डी ई साइन थीटा, डी ई का इधर जो आ गया वो कितना आ गया डी ई साइन थीटा और इधर जो आ गया वो कितना आ गया डी ई कॉस थीटा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे, ये दोनों कैंसिल हो गए, मैंने बताया था डी ई दोनों सेम है, तो क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्जेस भी सेम है, और साइन थीटा सेम है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स भी कैंसिल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, कितने एलिमेंट माने थे मैंने दो एलिमेंट के लिए दो कंपोनेंट,
ऐसे इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, तो हमेशा क्या होगा सबका एडिशन। देखो क्या करा था मैंने, कितने कंपोनेंट, कितने एलिमेंट माने थे चार्ज के, एक एलिमेंट या एक एलिमेंट या माना था, तो डी कॉस्टा कितने आ गए, दो एलिमेंट माने थे मैंने डायमेट्रिकल अपोजिट, तो कितनी बार हो गए, दो बार, मतलब एक एलिमेंट का एक डी कॉस्टा, दूसरे एलिमेंट का दो ही डी कॉस्टा, दो एलिमेंट के दो आ गए दो डी कॉस्टा, ऐसे अगर चार एलिमेंट हो गए तो क्या होंगे, फोर डी कॉस्टा, ऐसे अगर टेन होंगे तो यहाँ पे कितना आएंगे, टेन डी कॉस्टा, जितने मैं एलिमेंट मानूंगा, एक एलिमेंट की वजह से एक डी कॉस्टा, दो एलिमेंट की वजह से दो डी कॉस्टा, चार एलिमेंट की वजह से चार डी कॉस्टा, तो पूरे रिंग के लिए क्या करेंगे अपन, डी कॉस्टा का समेशन करेंगे। इज इट क्लियर, क्या क्या करेंगे अपन, समेशन करेंगे। समेशन को अपन बोलते हैं यहाँ पर क्या, इंटीग्रेशन, क्या करते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे दिखाओ क्या करते हैं अपन इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा द वैल्यू ऑफ डी क्यू, डी क्यू कितना होता है इस पूरी रिंग के अंदर, इस पूरी रिंग के अंदर कितना चार्ज है q, तो इस पूरी रिंग के सर्कमफेरेंस पे चार्ज है क्या, तो इस सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी है 2πa, रेडियस a है रिंग की, तो 2πa के अंदर जो चार्ज है वो कितना है कैपिटल q, तो यूनिट के अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा q अपॉन 2πa, चार्ज पर यूनिट लेंथ को अपन बोलेंगे लैम्डा, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इज इट क्लियर, क्या इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसको अपन ने बोला लैम्डा। तो मेरा इसकी लेंथ कितनी है, मैंने इसकी लेंथ मान ली कितनी dl, इसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने dl, तो dl एलिमेंट के अंदर चार्ज कितना होगा, तो q अपॉन 2πa इंटू dl, और उस चार्ज का नाम कितना है dq, तो q अपॉन 2πa इंटू dl, दैट इज द वैल्यू ऑफ dq। इज इट क्लियर, क्या अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो गया, dE इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ अपॉन r स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया r, ये r की वैल्यू पाइथागोरस से निकालोगे तो आएगी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओगे इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो इट इज r की वैल्यू आएगी रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो dE ध्यान से देखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq, dq कितना हो गया, dq की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, q अपॉन 2 पाई a dl अपॉन r स्क्वायर, dE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई a इंटू r स्क्वायर, और यहां पर आएगा dl, यहां पे हो जाएगा dl का इंटीग्रेशन, और यहां पे होगा इसका इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर, क्या एक चीज अपन भूल रहे हैं, इट इज de, यहां पर de आ गया, ठीक है, मुझे क्या निकालना था de cos theta, मेरा जो e नेट होगा, मेरा जो e नेट होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ de cos theta, यहां पे ध्यान देंगे आप, यहां पर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, एक के लिए कितना, एक एलिमेंट के लिए एक डी कॉस थीटा, दो एलिमेंट के लिए दो डी कॉस थीटा, तो इसके अंदर हजार लाख एलिमेंट होंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, तो सबके लिए मैं क्या करूंगा डी कॉस थीटा को जोड़ूंगा, जोड़ने का मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन करना, तो मुझे मैं इसको इरेज कर रहा हूं फिर से, अभी के लिए मैं इसको इरेज करके लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ डी इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, इट इज डी ई कॉस थीटा, तो यहां पे देखेंगे आप है ना, तो अब यहां पे देखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पेन से लिख लेते हैं डी क्यू, द वैल्यू ऑफ डी क्यू इज q अपॉन 2 पाई a dl cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इंटू cos थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा, ये थीटा है तो ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेनियस, तो इट इज x अपॉन r, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई a अपॉन r स्क्वायर इंटू x, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा dl का, तो ये आ जाएगा आपका e नेट, डीएल 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 का इंटीग्रेशन, मतलब डीएल डीएल जोड़ना, डीएल 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 को जोड़ जोड़ के क्या बनेगा पूरा रिंग का सर्कमफेरेंस, डीएल 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 बहुत सारे डीएल होंगे, सब डीएल को जोड़ के क्या मिलेगा मुझे पूरा लेंथ मिलेगा इसका, द लेंथ इज 2 पाई है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 पाई है, तो यहां पे अपन देखेंगे ई नेट बिकम्स, यहां पे देख लो ई नेट बिकम्स
क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ए, एक आर ये था तो इट इज आर क्यूब नॉट आर स्क्वायर, आर क्यूब डीएल, डीएल इज अगेन 2 पाई ए, तो 2 पाई ए कट गया। याद रखना डीएल डीएल का इंटीग्रेशन होगा, तो डीएल डीएल सारे जुड़ जाएंगे तो क्या मिलेगा पूरी लेंथ, और लेंथ क्या होगी 2 पाई ए, रिंग की लेंथ क्या होती है 2 पाई ए, तो ई नेट बिकम्स क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब, और वैल्यू ऑफ आर इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट है, रूट का मतलब क्या होगा पावर हाफ, हाफ और थ्री कितना हो जाएगा पावर 3/2, तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग दैट इज एट पॉइंट पी। तो इतना समझ में आ गया। अब इसके अंदर अपन और केसेस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर क्या फॉर्मूला आया मेरे पास, दिख रहा है पूरा फॉर्मूला क्या आया मेरे पास, फॉर्मूला आ गया मेरे पास, चलो इतना लिख लो आप, अपन फिर देखते हैं, इतना लिख लो। यहां पर ये a नहीं आएगा, ठीक है, ये 2π कट गया था, क्या बचा का qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस x की पावर 3/2, इतना आप लोगों ने लिख लिया था। इतना लिखने के बाद मैं ये इरेज कर रहा हूं, क्या बचा मेरे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची एट पॉइंट p दैट इज qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, इसको अब इरेज कर देते हैं यहां से अपन। अब देखते हैं अपन यहां पर, अगर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब कि ये पॉइंट बहुत दूर होता है कंपेरेटिव टू इसकी रेडियस, इसकी रेडियस के अकॉर्डिंग अगर ये पॉइंट बहुत दूर होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन क्या करेंगे, x a, a बहुत छोटा है तो a का स्क्वायर और क्या हो जाएगा छोटा, तो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फॉर्मूला बिकम्स क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर से कट गया, इट इज x क्यूब, फिर e इज इक्वल टू x x कट जाएगा, तो इट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ये अपन ने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के केस में, ये फॉर्मूला का पढ़ा था अपन ने, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर का पढ़ा था अपन ने पॉइंट चार्ज, मतलब कि अगर x बहुत ज्यादा होगा तो दिस रिंग विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज, दिस रिंग विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज, रिंग विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि x बहुत ज्यादा है, बहुत दूर से क्या दिखेगा ये अपने को, सिर्फ पॉइंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट चार्ज के लिए अपन ने ये देखा था। अब मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या देखना है, मैक्सिमा मिनिमा देखना है, कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी, तो आप इतना लिख लो, मैं इसको इरेज करके फिर बताता हूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने। कभी भी मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, उसको डिफरेंशिएट करता हूँ, पहले क्या पुट करता हूँ डिफरेंशिएट, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट इज, उसको थोड़ा सा मैं रीराइट कर दूं पहले, तो क्या रीराइट कर दूंगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इट इज x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कि किस x पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे अपन डिफरेंशिएट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट है, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -3/2 -1 दैट इज -5/2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो -3/2 यहां के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इट इज -5/2, अब अंदर वाले का करना पड़ेगा क्योंकि क्या लगेगा चेन रूल, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और a स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का कितना हो गया 1 और सेकंड फंक्शन एज इट इज इट क्लियर क्या, तो इसको क्या पुट करेंगे अपन अब 0, क्या करते हैं अपन फर्स्ट डेरिवेटिव को मैक्सिमा मिनिमा आपने रिवाइज करना क्लास 11 में पढ़ा है हमने कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करते हैं, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ठीक है, तो इसको ऐसा लिखो, ये टू से ये टू कट गया, x इंटू एक्स दैट इज x -3x स्क्वायर
माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 5/2 प्लस, ठीक है, इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इज इट क्लियर क्या? अब यहाँ से 0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देंगे माइनस 3x स्क्वायर। इस पूरे में से आप एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इतनी कॉमन निकाल लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक पावर बच जाएगी क्योंकि आपने आधा तो कॉमन निकाल लिया है, 3/2 कॉमन निकाल लिया है, प्लस यहाँ बचेगा कितना 1, ये पूरा का चले जाएगा आपके 0 में, तो क्या बचेगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान देंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जरा यहाँ ध्यान देंगे, दिख रहा होगा आपको, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय रूट टू। इस एक्स की वैल्यू पे मैक्सिमा मिनिमा निकलेगा, मैंने क्या निकाल लिया, इस एक्स की वैल्यू पे मैक्सिमा भी हो सकता है, इस एक्स की वैल्यू पे मिनिमा भी हो सकता है। इज इट क्लियर क्या? अभी अपन इसको देखते हैं, इतना लिखो आप कि क्या है क्या नहीं। तो अपन देखते हैं अपनी रिंग किस प्रकार की थी, अपनी रिंग इस प्रकार की थी, इधर ए बाय रूट टू जाऊंगा मैं और इधर मैं जाऊंगा कितना माइनस ए बाय रूट टू। तो अपन समझते हैं इसको एक बार फिर से, ए बाय रूट टू का मतलब क्या समझ में आया, ए बाय रूट टू इधर और माइनस ए बाय रूट टू मतलब इधर, यानी कि अपने को यह समझ में आ गया कि अगर रिंग की जो सेंटर है वो मेरी अगर ओरिजिन है तो इधर साइड एक्स बराबर ए बाय रूट टू और एक्स बराबर माइनस ए बाय रूट टू पे जो वैल्यू मिलेगी वो मेरे को मिलेगी मिनिमम, एक्सिस पे मिलेगी 0 और यहाँ मिलेगी मेरे को मैक्सिमम, यहाँ मिलेगी मैक्सिमम और यहाँ मिलेगी मेरे को मिनिमम। सर समझ नहीं आया, बता रहा हूँ अभी सब आपको, टेंशन ना लो। देखो अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूँगा, और डबल डिफरेंशिएशन किसका, इस टर्म का, इस टर्म का डबल डिफरेंशिएशन पुट करूँगा, तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा तो वहां मेरे को मिलेगा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या, मैक्सिमा, और इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा और मैं अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या, मिनिमा। तो आप करके देखना डबल डिफरेंशिएशन, वो अब करने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया, वैसे तो आपको याद ही रखना है, करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपके लिए किया है कि समझ में आ जाए कि किस वैल्यू पे मिनिमा और किस वैल्यू पे मैक्सिमा आएगा। तो आप देखेंगे ए बाय रूट टू पे इसको मैक्सिमा मिलेगा और माइनस ए बाय रूट टू पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस कर्व, डिस्टेंस कहां पर है, एक्सिस पे। सर समझ नहीं आया, ये फिर से देखो, जैसे ही मैं एक्स को 0 पुट कर दूंगा तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 0, तो एक्स 0 कहां पर होगा, सेंटर ऑफ द रिंग, तो इट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, ए बाय रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। फिर जैसे 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 मैं एक्स बढ़ाऊंगा वैसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिनोमीटर बढ़ेगा, डिनोमीटर बढ़ेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच करेगी 0 को। इज इट क्लियर क्या, फिर से करेगी, इज इट क्लियर क्या? नाउ सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी कितनी, तो इस ए बाय रूट टू को मैं अगर यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे मैक्सिमम फील्ड मिल जाएगी। तो ए बाय रूट टू को यहां पुट करके देखेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां मिलेगी, ए बाय रूट टू पे, तो एक्स की जगह पे ए बाय रूट टू रखेंगे तो मेरे को मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो रिंग के केस में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ए बाय रूट टू पे होती है, और वो कितनी होती है, क्यू अपॉन क्यू इंटू ए बाय रूट टू, ई मैक्स इज इक्वल टू क्यू ए बाय रूट टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान देंगे आप ई मैक्स इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू होल टू द पावर 3/2। ई मैक्स इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2, इट इज 3a स्क्वायर, ध्यान देखेंगे 3a स्क्वायर बाय 2, 3a स्क्वायर बाय 2, 3/2, e मैक्स इज इक्वल्स टू qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2, इट इज 3√3, इट इज 3√3, इट इज 2√2 a क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे अपन q, रूट 2 से रूट 2 कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 3√3, q अपॉन 3√3, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ए स्क्वायर, लिखो इसको। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये 2 से 4 काटा तो 2, तो इट इज q अपॉन 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, यानी कि द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। यहां लिख देंगे द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू q अपॉन 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और मिनिमम हो जाएगी माइनस q अपॉन 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। नोट इट डाउन।